दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के पार्ट टू। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आते आते एग्जाम हम लोग 20-25 पार्ट इसका देख लेंगे, जिससे आपको 300 से 400 क्वेश्चन इजिली आप कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज का इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन देखेंगे और कभी कभी 20 क्वेश्चन एक दिन में देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो बहुत ही बहादुर प्रधानमंत्री थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू के बाद वही प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा समझौता हुआ था। तो ये ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ, उनके बाद उनकी मृत्यु भी हो गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि भारत के विदेश नीति के निर्माता किन्हें माना जाता है। जो भारत के विदेश नीति है, जो शुरू में इसका निर्माण किया गया है विदेश नीति, वो किसका माना जाता है? ठीक, तो इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में भी पढ़ना है। इंटरनेशनल संस्था जैसे यूनो, सार्क, बिम्स्टेक, ये सिलेबस में दिया हुआ है। लास्ट के आपके 14वां यूनिट देखिएगा बिहार पुलिस का, पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें दिया हुआ। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत विदेश की नीति के सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है, क्योंकि इनके ये ही विदेश नीति की शुरुआत किए थे और बहुत ही अच्छा विदेश नीति था इनके कार्यकाल में। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किसमें? तो संविधान सभा में। तो ये भी दे देता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ये दोनों जो है ना, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले अपने पद पर हैं ये दोनों के दोनों, क्योंकि प्रथम भी थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो बिहार से, सिवान जिले से थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे और ये बिहार से थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये इनके 2 दिन पहले 9 तारीख को इनको बनाया गया था, फिर 11 तारीख को ये अस्थायी सदस्य बन गए और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए थे ये जवाहरलाल नेहरू। सब की कब हुआ था? तो 1946 में, जितना भी काम ये सब हुआ था 1946 में हुआ था। मैं और एक बात बता दूं आपको कि महात्मा गांधी जैसे कि महात्मा को उपाधि कौन देता था, या सब इनका सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में है, तो अब दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहला इनका शुरू हो गया था। लेकिन सत्याग्रह अगर भारत का ऑप्शन में है तो चंपारण आप लगाइएगा। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कल ही उनका क्या होने वाला है कि 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, इसलिए उसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनका सबसे बड़ा मूर्ति गुजरात में लगाया जा रहा है, यूनिटी ऑफ, ये उसका स्टेचू नाम है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? अभी परमाणु मूवी भी आया है। तो परमाणु परीक्षण सफल जो हुआ था वो अटल बिहारी के राज्य में हुआ था, और पहला जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के राज्य में हुआ था। तो जो 1998 में हुआ था सफल परीक्षण, 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, वो हुआ था अटल बिहारी के राज्य में। तो ये भी कहाँ हुआ था, या पूछ देता है कि पोखरण में कहाँ, 4 ऑप्शन में दिया था, देता है, बोलता है कि कहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था, तो पोखरण भी दिया रहता है, तो आप वहाँ आसानी से पोखरण लगाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश पहले क्या था? बांग्लादेश, ये इंडिया हो गए, ये जो इंडिया हो गए, मान लीजिए ये पार्ट इंडिया हो गया, बांग्लादेश हुआ, ये पाकिस्तान हुआ। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर, तो ये दोनों पहले एक थे, इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। दोनों ऐसे आवाजाही करते थे इंडिया से पार होकर, जब 1947 में 15 अगस्त को इंडिया 2 भाग में डिवाइड हो गया था। तो ये पूर्वी बांग्लादेश, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी, लेकिन यहाँ के संसाधन ले जाकर यहाँ पर उपयोग करते थे पश्चिमी पाकिस्तान वाले। ठीक, इधर से निकालकर इधर, और यहाँ पर विकास नहीं होता था, इसीलिए यहाँ पर विद्रोह खड़ा हो गया। और वहां से देखा गया कि वहां से बहुत से शरणार्थी, वहां के आर्मी बहुत से लोगों को मार देती थी, शरणार्थी इंडिया में भागने लगे। तो इंडिया ने, उसमें इंदिरा गांधी की राज था, इंदिरा गांधी ने ही इसको स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो आपको 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 14 का आंसर 16 दिसंबर 1971 में। तो दे देता है बांग्लादेश कब बना था, तो 1971 देता है, 1972 देता है, या डेट भी दे देगा, तो आप मार सकते हैं 16 दिसंबर 1971 में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था?
जो पंचशील संधि हुआ था किनके किनके बीच हुआ था यह भी पूछ देता है, और जो 62 का आक्रमण है जो युद्ध हुआ आप जानते ही होंगे, तो पंचशील संधि भी हुआ था भारत और चीन के बीच, और जो ये आक्रमण किया था वो चीन ने किया था ठीक इस पर इंडिया पर, और उस समय कौन हमारे प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे। भाई भाई की नीति चल रहा था चीन और इंडिया में, दोनों भाई भाई, बट चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र के लिए और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र के लिए यहाँ पर आक्रमण कर दिया, मुख्यतः तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के लिए ही। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, NEFA, नेशनल ईस्ट फ्रंटियर ठीक। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुए, देखिए आगे क्वेश्चन, तो पोखरण जो है ना भारत के वो राजस्थान में स्थित है, पोखरण भारत के राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वहां का अगर पूछता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है भारत में, तो थार रेगिस्तान राजस्थान में ही पाया जाता है ठीक। और आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यूपी बहुत सबसे बड़ा पड़ता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन पड़ता है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पड़ता है सिक्किम, और लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन पड़ता है, तो गोवा पड़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर गुजरात ऑप्शन में है, देखिए गुजरात जो ऑप्शन में है, गुजरात का सबसे बड़ी तटरेखा है, तटरेखा मतलब समुद्री जो तटरेखा है वो सब राज्यों में सबसे बड़ी गुजरात का है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसा का तो आप जानते हैं, उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी का झील छिलका झील पाया जाता है, एक लैगून झील है ठीक। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, ये भी याद रखिए, सबसे ज्यादा सोयाबीन भी यहीं भी होता है ठीक। आगे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था, समझौता से देखिए एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भारत पाकिस्तान या चीन दे देगा, तो इसमें पूछ रहा है कि समझौता कौन हुआ था, इसमें किसके किसके बीच जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा समझौता हुआ था जो 1971 में युद्ध हो गया था, उसके बाद बांग्लादेश अलग कर कटकर हो गया था, तो फिर पाकिस्तान और भारत में समझौता हुए थे, उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो उस समझौता को हम लोग शिमला समझौता के नाम से जाने जाते हैं ठीक। ये शिमला में हुआ था इसलिए इस नाम को हम लोग शिमला समझौता के नाम से जाने जाते हैं ठीक। तो 17 का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं क। 1959 में स्वतंत्र पार्टी का किसने बनाई, स्वतंत्र पार्टी जो है वो किसने बनाई थी 1959 में ठीक, तो इसका आसानी आंसर है स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी, तो ये जो हमारे श्री राजगोपालचारी जी थे ना वही स्वतंत्र पार्टी के गठन किए थे, श्री राजगोपालचारी ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ठीक, आराम से लगा लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन से देखने से पहले मैं आपको एक दो जो है बता देता हूँ कि जैसे कि कभी कभी पूछ देता है कि महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है महाभियोग ठीक, याद रखिएगा। और संविधान के जो निर्वाचन मंडल में, मतलब संविधान का जो निर्वाचक होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो निर्वाचक में भाग लेंगे संविधान में कौन कौन भाग लेने का उल्लेख है, तो सभी राज्यों के विधानसभा और जो केंद्र शासित दो विधानसभा बने हैं पांडुचेरी और दिल्ली, उनके सदस्य विधानसभा के, और फिर लोकसभा के और राज्यसभा के। बट यहाँ पर आप ध्यान से रखिएगा कि इसमें कौन भाग लेगा, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में दो राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12, ये निर्वाचक निर्वाचन में भाग नहीं लेते, बट आर्टिकल 61 के तहत अगर इनको महाभियोग लगाकर हटाया जाता है तो ये जरूर भाग लेते हैं, और वहाँ विधानसभा हट जाता है, और दिल्ली पांडुचेरी का भी विधानसभा हट जाता है, हटाने में विधानसभा का कोई काम नहीं है, बस चुनने में काम है इनका। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे, जो 1977 के आम चुनाव हुए थे उनमें से कौन से पार्टी विजयी हुए थे, इसमें आपको नाम लिखना है, तो ये कौन हुए थे, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब मैं पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी थी, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी ना वो उस समय आपात लागू कर दी थी, कब आपात, तो 75 से 77 के बीच आपको आपात लागू कर दी थी। आपात लागू करने का मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 352 में है ना राष्ट्रीय आपात, उसे पूरे इंडिया में लागू कर दिया था। अब पूरे इंडिया में जब लागू कर दिया जाता है तो उस समय राष्ट्रपति का जो शक्ति है काफ़ी बढ़ जाता है, और जो मंत्रिमंडल का शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस समय इंदिरा गांधी के हाथ में जो निरंकुशता की संभावना दिखाई देता है, और उसे ही काला हम लोग दिन कहते हैं, भारत के लोकतंत्र में सबसे काला दिन कौन कहलाता है, जो इंदिरा गांधी ने आपात लागू किया था ठीक। तो 1977 में फिर क्या हुआ, आपात खत्म हुआ, और 1977 में कौन से पार्टी जीत कर आई, तो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई जी बने प्रधानमंत्री, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब का आंसर क्या हो जाएगा इसमें,
हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इंदिरा गांधी आपात लागू की थी ना, उसी समय 42वां संविधान 1976 में संशोधन भी की थी, क्योंकि उस समय बहुत से संशोधन किया गया था। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो उस समय 42वां संविधान संशोधन में बहुत कर संविधान संशोधन कर बहुत संविधान में चेंजिंग किया गया, इसलिए 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब छोटा संविधान करते हैं। ठीक, ऐसा ऐसा प्रावधान इसमें जोड़ा गया, और उसी कुछ ऐसा भी प्रावधान जोड़ा गया जो सही नहीं था, और उसी को खत्म करने के लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में हुआ था। और ये जब आई 44वां संविधान संशोधन, तो ऐसे बहुत से प्रस्ताव को ये खारिज भी की थी। और 44वां संविधान संशोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी हुआ था कि जो संविधान में मौलिक अधिकार साथ दिए थे, उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया था, वो कौन था, तो संपत्ति के अधिकार थे, उसे संविधान से हटाकर लीगल राइट में डाल दिया गया था। और वो क्या था, वो आर्टिकल 300A वो कानूनी अधिकार बन गया था। ठीक, आगे देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जैसे अभी पूछ सकता है कि बिहार में जो किन किन राज्यों में अभी दारू पूर्णतः बंदी है, पूर्णतः दारू बंद है, पूर्णतः मतलब कि दारू का कोई भी अंश, एल्कोहलिक कोई भी अंश ऐसा पदार्थ नहीं बिकता है दवा को छोड़कर, तो जो पूर्णतः बंद है ना वो बिहार में बंद है। लेकिन ये पूछ रहा है, वो आप वहां पर लगाइएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। वहां पर महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि वहां पर बहुत वहां के जो जेंट्स है, जो पुरुष है, बहुत ताड़ी पी पीकर अजीब अजीब से हरकत करते थे। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। और मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही में थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना कटकर आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। और अगर शुरू में देखा जाए तो भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य ही बना था वो भी आंध्र प्रदेश ही था, और फिर अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कटकर अलग हो गया। और दोनों का, तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का भी सम्मिलित राजधानी अगर देता है तो अभी कहाँ है, तो अभी हैदराबाद ही है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। इनके बीच एक हुसैन सागर झील भी पाया जाता है। आप जाइएगा सिकंदराबाद से हैदराबाद या हैदराबाद से सिकंदराबाद, तो हुसैन सागर झील भी पाया जाता है, बहुत बड़ा झील है। ठीक, वो दोनों को अलग करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब आपको जैसे कि राज्य जो उच्चतम न्यायालय होता है, उसको जो अगर राष्ट्रपति के कोई भी निर्वाचक में या कोई भी ऐसे मतलब भेद होता है, उसे कौन सॉल्व करता है, तो वो सॉल्व करते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वो आता है। मैं एक बात बता दूं कि कभी कभी पूछ देता है कि भारत में जो है इसको कौन नियुक्त करता है, जो राज्यपाल होते हैं राज्य को उनको कौन नियुक्त करता है, तो वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। विधानसभा में जिसका बहुमत है उस दल का नेता को ही अधिकतर देखते होंगे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन होता है, जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक, तो आज का ये क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। और एक बात बता दूं कि अभी तक आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पर एक एक सेट मिलेंगे, आपके ऑप्शनल पर ऑप्शनल का कंपलसरी का सेट मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे हर प्रकार के जो जो बेसिस पर होगा एग्जाम। और ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, PDF के फॉर्म में मिलेंगे। और आपको संडे को टेस्ट भी होता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई डाउट है तो आप कॉल कर पूछ भी सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है, अगर ढूंढना चाहते हैं इससे तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम, साथ में अपना दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखिए। और फिर आपको पेटीएम के माध्यम से फी देना होता है, पेटीएम के माध्यम से आपको फी देना होता है। ठीक, तो ऐसे कर आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ये जितना भी हम 300 से 400 क्वेश्चन कराएंगे उसमें से आप देखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से पॉलिटी से अक्सर 20 से अधिक ही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बिहार बोर्ड के साइड से क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और ये PDF होगा ना, मैं व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप किए उन्हें सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।